हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरजे कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया एक नया टॉपिक जिसपे अपन बात करने वाले हैं, अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको हमारी क्लास के साथ साथ बताता रहूँगा, तो क्लास को आप लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सपोर्ट करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और आपका जो सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए सभी फ्रेंड्स का शुक्रिया। और आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और उन्हें भी घर बैठे हमारा एक छोटा सा प्रयास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमने देख लिया था कि ब्लास्टोसिस्ट क्या हो रहा था, डिफरेंशिएट हो रहा था बिफोर द इम्प्लांटेशन, और डिफरेंशिएट होने के बाद में उसका आउटर सेल मास और इनर सेल मास दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा था। ठीक है, जो आउटर सेल मास था ट्रोफैक्टोडर्म, इसके अभी दो पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट हो रहा था। फर्स्ट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सेकेंड इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बन रहा था, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, क्या किस किस के बीच में, मदर और फीटस के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन चैनल जो क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है और क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है। तो अब जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 21 डे पे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। 21वें दिन पे क्या होता है, टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई, प्राइमरी और सेकेंडरी जो विलाई होती है वो क्या होती है, एवैस्कुलर होती है। ठीक है, एवैस्कुलर विलाई होती है, लेकिन जो टर्सरी विलाई होती है वो होती है वैस्कुलर विलाई। ठीक है, प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 13वें दिन पे, सेकेंडरी का होता है 16वें दिन पे, और टर्सरी का होता है 21वें दिन पे। टर्सरी विलाई होती है वैस्कुलर, और टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब होता है, 21वें दिन पे, 21वें डे पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस भी अपन बात करेंगे एक एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर और एक प्लेसेंटल जो फीटल सर्कुलेशन होता है, या अपन बात कर सकते हैं इसको प्रीनेटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट सर्कुलेशन और प्रीनेटल सर्कुलेशन के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होता है, वहां से भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, बात करते हैं अपन एडल्ट एंड इसको बोलते हैं अपन पोस्टनेटल, एडल्ट या पोस्टनेटल सर्कुलेशन। दूसरा बात करें अपन फीटल या प्रीनेटल, प्रीनेटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर क्या जो मेजर डिफरेंस होगा उसकी भी बात करेंगे अपन। देखिए, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहां होता है, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू हार्ट। एडल्ट के अंदर बात करें, देखिए अपन सर्कुलेशन की बात करते हैं, फर्स्ट प्योर ब्लड मतलब जब ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड के अंदर, उसके बाद में जो फर्स्ट प्योर ब्लड होता है वो कहां जाता है, हार्ट में जाता है, किसमें, एडल्ट के अंदर। फीटल की बात करें तो फर्स्ट प्योर ब्लड कहां सप्लाई होता है, लीवर में, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लीवर, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू लीवर, लीवर के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है, एडल्ट के अंदर क्या होते हैं, लंग्स मैच्योर होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन यहां क्या होते हैं, लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनिंग। एडल्ट की बात करें तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं ब्लड के अंदर और CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लंग्स मिक्स द ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2 एंड रिमूव द
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करते हैं और CO2 रिमूव करते हैं, जबकि यहां पर बात करें तो लंग्स क्या करते हैं, ब्लड से ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, लंग्स रिसीव ऑक्सीजन, लंग्स क्या करते हैं रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड एंड मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं फीटस सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर, जो कई बार एग्जाम के अंदर आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि फीटस के अंदर सर्कुलेशन होता कैसे है। इसके अंदर एक बात और बात करें अपन, एडल्ट के अंदर जो बाईपास चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। सबसे मेन जो रोल होता है बाईपास चैनल का होता है, बाईपास चैनल क्या होते हैं एडल्ट के अंदर, एबसेंट होते हैं। फीटस के अंदर बाईपास चैनल प्रेजेंट होते हैं, बाईपास चैनल क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है मेनली फीटल सर्कुलेशन के अंदर, वो भी अपन अभी आगे नेक्स्ट बात करेंगे। मेनली बाईपास चैनल का ही रोल होता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर। देखिए कैसे, अभी मैं आपको जो फीटल सर्कुलेशन है वो कंप्लीट एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, जो आपको इजी स्टेप के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होता है। जब फीटस इंट्रायूटराइन लाइफ में होता है तो यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, और कहां पे लेके आती है, प्लेसेंटा तक क्या करती है, ब्लड लेकर आती है। कौन, यूटेराइन आर्टरी। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी क्या होती है, ब्लड लेकर आती है। अब यूटेराइन आर्टरी ब्लड कहां लेकर आएगी, मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द मैटरनल पार्ट एंड सेकंड इज द फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट कौन सा होता है, मैटरनल पार्ट की बात करें तो मैटरनल पार्ट कौन सा होता है, इंटरविलस स्पेस। कौन सा होता है, इंटरविलस स्पेस, IVS जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंटरविलस स्पेस। फीटल पार्ट की बात करें तो फीटल पार्ट कौन सा होता है, विलाई सिस्टम। कौन सा होता है, विलाई सिस्टम। ठीक है, अब विलाई सिस्टम और इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होता है, ब्लड फिलअप होता है, जो हमने बात की थी वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है, 500 ml होता है दोनों के अंदर, इंटरविलस स्पेस और विलाई सिस्टम के अंदर, और विलाई सिस्टम। यहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा फीटल सर्कुलेशन के अंदर, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स द इंटरविलस स्पेस एंड दिस इज द विलाई सिस्टम। ये यहां पर क्या है, टर्सरी विलाईज है जो क्या कर रही है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहां पर ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस एक्सचेंज होता है, बाकी ब्लड मिक्स नहीं होता। यही एक वो पार्ट है इंटरविलस स्पेस और विलाई सिस्टम, जहां पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन ब्लड मिक्स नहीं होता फीटस का मदर के साथ। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा के अंदर बात कर रहे हैं अपन, इंटरविलस स्पेस और विलाई सिस्टम, यहां पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द फीटस एंड मदर। ठीक है, इंटरविलस स्पेस में मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 150 ml ब्लड फिलअप रहता है, और विलाई सिस्टम में कितना रहता है, 350 ml, टोटल कितना हो गया, 500 ml, कितना हो गया, 500 ml, जो किसके अंदर आता है, प्लेसेंटल वॉल्यूम में, प्लेसेंटल वॉल्यूम के अंदर। अपन बात करें प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कितना होता है तो 500 ml, और प्लेसेंटा का वेट भी कितना होता है, 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा और फीटस का जो वेट रेशियो पूछा जाता है आपको कितना होता है, 1:6, अगर फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो पूछे तो 6:1, तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपको कि इंटरविलस स्पेस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी रेट कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरविलस स्पेस में अपन बात करें, इंटरविलस स्पेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो रेट होती है वो होती है 500 to 600 ml पर मिनट बाय द यूटेराइन आर्टरी। किसके द्वारा, बाय द यूटेराइन आर्टरी। जबकि बात करें विलाई सिस्टम के अंदर कितना होता है, 400 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट बाय द अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, बाय द अम्बिलिकल आर्टरी सर्कुलेशन, ब्लड जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 400 ml पर मिनट होता रहता है, बाकी अपन बात करें 350 ml ब्लड हमेशा फिलअप रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहां से देखिए अपन बात करें सर्कुलेशन की,
यहां से यूटर्न आर्टरी आती है और किसको ब्लड दिया इसने, इंटरवेलस स्पेस के अंदर क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेट हुआ, कौन सी रेट से, 500 टू 600 ml पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद में यहां पर क्या होगा, इंटरचेंज होगा, क्या गैसेस एक्सचेंज होगा और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात की, यहां पर ब्लड क्या हो रहा है, दो चीज होती है, दो तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और दो क्या होती है, अम्बिलिकल वेन होती है, दो अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल वेन। अब यहां पर देखिए, जो अम्बिलिकल वेन जो होती है वो क्या होती है, ब्लड को फीटस के अंदर लेकर जाती है, ब्लड को फीटस के अंदर लेकर जाती है। फर्स्ट इज द राइट अम्बिलिकल आर्टरी एंड सेकंड इज द लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, जबकि दो होती है कौन सी, सॉरी ये होती है अम्बिलिकल वेन, ब्लड को लेकर जाती है, और दो होती है अम्बिलिकल आर्टरी जो क्या होती है, ब्लड को वापिस लेकर आती है। यहां पर भी आप ध्यान रखें, अम्बिलिकल वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फीटस को ब्लड सप्लाई करती हैं, कौन सी, अम्बिलिकल वेन। और इसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड होता है, कितना, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, किसके अंदर, अम्बिलिकल वेन के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है सब, अम्बिलिकल वेन के अंदर 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड होता है। अब बात करें अम्बिलिकल वेन की, ये क्या हो रहा है, ब्लड लेकर आ रहे हैं फीटस के अंदर। यहां से देखिए एट फोर, ठीक है, फोर मंथ पर क्या होता है, राइट अम्बिलिकल वेन, कौन सी, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, उन्हें आप ध्यान रखें, फोर मंथ पर राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है, सिर्फ कौन सी बचती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ही बच पाती है, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर एट फोर मंथ। अब देखिए चार महीने बाद में सिर्फ कौन सी बचेगी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। अब लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है किसको, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको भी डिफरेंस के अंदर बताया, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लीवर, हार्ट को नहीं जाता है, फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है वो कहां जाता है, लीवर के अंदर, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू लीवर, लीवर के अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो ब्लड होता है, मैक्सिमम ब्लड बाईपास बाय द डक्टस वीनोसस, बाय द डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस के द्वारा मैक्सिमम ब्लड बाईपास हो जाता है, और कहां पर जाता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, कहां पर गया, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला गया। अब आपको पता है इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो क्या करती है, लोअर एक्सट्रीमिटी से और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, वीनस रिटर्न को लेकर आती है, कौन सी, इंफीरियर वेना केवा, और कहां पर लाती है, राइट एट्रियम के अंदर। यहां तक समझ में आ गया, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर समझ लेना, फीटल सर्कुलेशन इजी है, मैं आपको एक इजी और सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं कि कहां से ब्लड स्टार्ट हुआ और कहां तक वापस अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है, ठीक है। यहां पर जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, एक एक चीज जहां से आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बस आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहे और लास्ट तक देखें, ठीक है, सारे कंफ्यूजन आपके यहां से सोल्व आउट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले यूटराइन आर्टरी ब्लड लेकर आती है इंटरवेलस स्पेस के अंदर, इंटरवेलस स्पेस से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उसके बाद में यहां पर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में जो गैसेस और ब्लड जो होता है, कौन सा, विलाई सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, कौन से रेट से, 400 ml पर मिनट के हिसाब से। अब यहां पर देखिए दो अम्बिलिकल वेन निकलती है जो क्या होती है, फीटस के अंदर ब्लड को लेकर जाती है, अम्बिलिकल वेन ब्लड लेकर जाती है फीटस के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का, एक्सेप्शन है, अम्बिलिकल वेन के अंदर 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन का ब्लड होता है, कितना, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है।
अम्बिलिकल वेन, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है एट 4 मंथ पे, 4 मंथ पर राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद में सिर्फ कौन सी बचती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अब देखिए जो प्योर ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, प्योर ब्लड जो आ रहा है कौन सा, ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसके अंदर 80% है, ठीक है, वो प्योर ब्लड कहां पर जा रहा है, फर्स्ट सप्लाई किसके पास हो रही है, लीवर के पास, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लीवर, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखें, ठीक है, लीवर के अंदर सप्लाई हो रही है, लेकिन मैक्सिमम ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है, मैक्सिमम ब्लड बाईपास बाय द डक्टस वीनोसस। अब ये चीज क्या है, डक्टस वीनोसस क्या है, ये बाईपास चैनल है, दिस इज द फर्स्ट बाईपास चैनल इन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा। कहां से आया, अम्बिलिकल वेन से, मैं भी आपको ये चीज सारी चीज डायग्राम से बताऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगी, अम्बिलिकल वेन से डक्टस वीनोसस डायरेक्ट कहां पर आ रही है, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर आ रही है, ठीक है। अब इंफीरियर वेना कैवा क्या है, ये जो इंफीरियर वेना कैवा होती है ये क्या होती है, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है और कहां पर डाल रही है, राइट एट्रियम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये हार्ट की 4 चैंबर है, ठीक है, अब यहां पर कौन सा आ रहा है, आईवीसी इंफीरियर वेना कैवा यहां पर ब्लड लेकर राइट एट्रियम के अंदर आ गई, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से देखिए इंफीरियर वेना कैवा ब्लड लेकर आ गई और इंफीरियर वेना कैवा के अंदर कौन सा आके जुड़ गया, डक्टस विनोसस, जो कहां से जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल वेन से। अब यहां पर देखिए, यहां पर इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं अपन फोरामेन ओवल, क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल क्या है, सेकेंड बाईपास चैनल, क्या है, सेकेंड बाईपास चैनल, और फोरामेन ओवल के द्वारा 2/3 ब्लड, कितना, 2/3 ब्लड क्या हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर के कौन आया, इन्फीरियर वेना के द्वारा, फिर उसके बाद में देखिए 2/3 ब्लड क्रॉस द फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल के द्वारा 2/3 ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम में आ गया, कहां पर आ गया, इन लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया और 1/3 जो ब्लड होता है वो कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में, कितना, 1/3 ब्लड, 1/3 ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, 2/3 ब्लड कहां चला गया, फोरामेन ओवल के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब देखिए यहां से कौन सा निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक से आपको पता है एक तो निकलता है लेफ्ट लंग्स के लिए और एक निकलता है राइट लंग्स के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेन जो 2/3 ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम में और यहां से किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है कौन सा निकलेगा, आओटा निकलती है, कौन सी निकलती है, आओटा निकलती है। आओटा की आपको पता है क्या होती है, सबसे पहली ब्रांच होती है कौन सी, असेंडिंग आओटा, असेंडिंग आओटा, उसके बाद में आर्च ऑफ आओटा, आर्च ऑफ आओटा एंड डिसेंडिंग आओटा, डिसेंडिंग आओटा, डिसेंडिंग आओटा से आओटा कहां पर आती है, थोरेसिक कंपार्टमेंट पे, और किसमें बदलती है, थोरेसिक आओटा के अंदर, ठीक है, थोरेसिक आओटा से कहां पर जाती है, एब्डोमिनल आओटा, कहां पर जाती है, एब्डोमिनल आओटा में। अब देखिए एब्डोमिनल आओटा से दो दो ब्रांच निकलती है, फर्स्ट इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, कौन सी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी दो ब्रांच निकलती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, और दो ब्रांच निकलती है किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी की, किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी।
अब देखिए यहां पर जो ब्लड सप्लाई है कंटिन्यू आ रही है, इंटरनल इलियक आर्टरी से दो ब्रांच किसकी निकलती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की, किसकी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से दो ब्रांच निकलती है अम्ब्लाइकल आर्टरी की, और अम्ब्लाइकल आर्टरी तक आते आते जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो रहती है कितनी रहती है, 50-60% ऑक्सीजन सेचुरेशन रह पाती है, और ये अम्ब्लाइकल आर्टरी वापस घूमकर कहां चली जाती है, प्लेसेंटा के अंदर, ये कहां पर चली जाती है, प्लेसेंटा के अंदर। तो ये सिंपल आपको मैंने बता दिया कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। इसके अंदर मेन जो रोल होता है वो होता है बाईपास चैनल का। अब यहां पर आपने सोचा होगा कि जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया था वो कहां गया, ठीक है, यहां पर देखिए राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया था, कहां पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर मैंने आपको बताया 2/3 ब्लड आया था, ठीक है, यहां पर क्या निकल रहा था, पल्मोनरी ट्रंक, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है वहां से एक बाईपास चैनल बनता है और अओर्टा के साथ जाकर मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डक्टस आर्टेरियोसस, क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। थर्ड बाईपास चैनल कौन सा होता है, थर्ड बाईपास चैनल होता है डक्टस आर्टेरियोस। फर्स्ट बाईपास चैनल कौन सा था, जो अम्ब्लाइकल वेन से इंफीरियर वेना कावा के साथ मिल रहा था, डक्टस विनोसस। उसके बाद में सेकेंड बाईपास चैनल कौन सा था, फोरामेन ओवल, और थर्ड बाईपास चैनल कौन सा है, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये जो 1/3 ब्लड आया था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि इस टाइम में क्या है, लंग्स तो इमेच्योर है, या मतलब लंग्स फंक्शनिंग नहीं कर रहे, तो ये ब्लड कहां पर जाएगा, लंग्स के अंदर जाने से रहा, तो ये ब्लड बाईपास चैनल के द्वारा डायरेक्ट कहां पर आ जाता है, अओर्टा के अंदर आता है, और अओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, फिर अओर्टा की ब्रांच चेंज होती है, ठीक है, कौन सी, असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा, और डिसेंडिंग अओर्टा से कहां पर आता है, थोरेसिक अओर्टा में, थोरेसिक अओर्टा से एब्डोमिनल अओर्टा में, एब्डोमिनल अओर्टा से दो अलग अलग ब्रांच निकलती है, फर्स्ट इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, सेकंड इज द इंटरनल इलियक आर्टरी, और इंटरनल इलियक आर्टरी से दो ब्रांच निकलती है, किसकी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से दो अम्ब्लाइकल आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, और अम्ब्लाइकल आर्टरी जो वीनस रिटर्न हो रहा है उसको लेकर कहां जाती है, प्लेसेंटा के अंदर, और फिर वही सर्कुलेशन क्या होता है, वहां पर घूमता है, मतलब प्लेसेंटा के अंदर कहां पर लेके जाएगी अम्ब्लाइकल आर्टरी, देखिए मैं आपको बताता हूं, डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी, यहां पर अम्ब्लाइकल आर्टरी वापस ब्लड को लेकर कहां पर आएगी, ये जो है अम्ब्लाइकल आर्टरी वापस ब्लड को लेकर यहां पर आती है, और यहां पर ब्लड वापस सर्कुलेट होता है, और यहां वापस अम्ब्लाइकल वेन के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड के अंदर, इंटरविलस स्पेस और विलाय सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, और क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट होते हैं वो मिक्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब मैं ये सारा सिस्टम आपको एक डायग्राम के द्वारा बता देता हूं, ठीक है, डायग्राम के अंदर देखिए सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अम्ब्लाइकल आर्टरी यहां से ब्लड लेकर आ रही है, उसके बाद में इंटरविलस स्पेस आपको यहां दिखाई दे रहा है, और यहां पर कौन सा है, विलाई सिस्टम, यहां पर क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या निकल रही है, अम्ब्लाइकल वेन, ये जो ब्लड है किसके द्वारा जा रहा है, अम्ब्लाइकल वेन के द्वारा, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लीवर, लीवर के अंदर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ब्लड कहां सप्लाई हो गया, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाकर मिल गया, बाय द डक्टस विनोसस, किसके द्वारा, डक्टस विनोसस के द्वारा मैक्सिमम ब्लड कहां चला गया, यह है इंफीरियर वेना केवा। यह ब्लड कहां से लेकर आ रही है, लोअर बॉडी पार्ट से, जो वीनस रिटर्न हो रहा है वो कहां है, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा आ रहा है, और कहां पर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर, कहां पर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, कहां से, इंफीरियर वेना केवा से,
और डक्टस विनोसस से, ठीक है। अब राइट एट्रियम में आने के बाद में यहां से टू थर्ड ब्लड, कितना टू थर्ड ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, और वन थर्ड ब्लड जो है वो कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया, वन थर्ड ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को एक बार स्टॉप करिए, हम बात करते फोरामेन ओवल सेकेंड बाईपास चैनल। फोरामेन ओवल लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है ब्लड, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आने के बाद में यहां से असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है, और ये है डिसेंडिंग अओर्टा। डिसेंडिंग अओर्टा आ गई यहां पर, यहां पर आकर किस में चेंज हो गई, थोरेसिक अओर्टा में, उसके बाद में एब्डोमिनल अओर्टा, और यहां पर ब्रांच जो देखने को मिल रही है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, कौन सी है, ये दो ब्रांच किसकी निकल गई, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। इसके बाद में इसकी नई ब्रांच बनी कौन सी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या बना यहां पर, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या बनी यहां पर, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से मिक्स होकर कौन सी बनती है, सॉरी कौन सी बनती है, दो अम्बिलिकल आर्टरी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहले तो बात आपको पता होनी चाहिए कि फोर मंथ पर राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है, कौन सी, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है। बात करें अपन अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन की, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, 80% होता है यहां पर, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, ठीक है। और यहां पर बात करें अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जाते टाइम ब्लड कितना सेचुरेशन होता है, 50 to 60% ऑक्सीजन सेचुरेशन रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है। और इसी जगह अपन बात करें aorta के अंदर तो अप्रोक्सीमेट 70% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि वन थर्ड ब्लड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो वन थर्ड ब्लड आया था वो कहां से जुड़ता है, यहां से थर्ड बाईपास चैनल बनता है और सीधा aorta के अंदर जुड़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डक्टस आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस से क्या मतलब, यहां पर ए डक्ट इन बिटवीन टू आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक से क्या निकलती है, दो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और aorta जो है वो क्या है, ग्रेट आर्टरी होती है, तो दोनों आर्टरी के बीच में जो डक्ट है वो कौन सी हो गई, डक्टस आर्टेरियोसस। इसी प्रकार दो वेन्स के बीच में जो वेन जो डक्ट है वो कौन सी हो गई, डक्टस विनोसस। कौन कौन सी वेन, फर्स्ट इज द अम्बिलिकल वेन एंड सेकंड इज द इंफीरियर वेना कावा, जो भी क्या है, ग्रेट वेन है, तो दोनों के बीच में जो वेन आ गई तो उनको क्या बोलेंगे अपन, डक्टस विनोसस। बाद में जब पोस्टनेटल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इनका क्या बनता है, रेमिनेंट बसता है, ठीक है, अवशेष बसते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंटम विनोसम बोलते हैं, किसको, डक्टस विनोसस का जो रेमिनेंट बसता है उसको बोलते हैं अपन लिगामेंटम विनोसम, ठीक है, और डक्टस आर्टरियस का बचता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीटल सर्कुलेशन। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो बाईपास चैनल है उनका सबसे मोस्ट यूजफुल होता है, बाईपास चैनल अगर नहीं हो यहां पर तो फीटस के अंदर क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से बाईपास चैनल कहां कहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अपन बाईपास चैनल की। बाईपास चैनल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, तो ध्यान से देखिए इसको, बाईपास चैनल, इसके अंदर अपन देखेंगे, हम ये अपने देखा कि बाईपास चैनल कौन कौन से होते हैं, अब अपन बात करेंगे इनका कनेक्शन कौन कौन से ऑर्गन से भी रिलेटेड होता है और कौन से ऑर्गन को ये बाईपास कर रहे हैं। यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनकी क्लोजिंग कब होती है और इनके रेमिनेंट क्या क्या बसते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में क्या होते हैं, एज ए रेमिनेंट क्या होते हैं, अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जिनका नाम अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो बाईपास चैनल है वो है डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस। अब देखिए डक्टस विनोसस नाम के अंदर आपको पता लग रहा है, एक ऐसी डक्ट जो किसके बीच में प्रेजेंट हो, दो वेन्स के बीच में प्रेजेंट हो, तो कनेक्शन बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड
इंफीरियर वेना कैवा आईवीसी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इंफीरियर वेना कैवा, जो लोअर बॉडी पार्ट से वीनस रिटर्न लेकर राइट एट्रियम के अंदर आती है, दैट्स द इंफीरियर वेना कैवा। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में जो डक्ट का कनेक्शन है वो कहलाता है डक्टस वीनोसस। अब बात करते हैं कि बाईपास किसको करता है, ठीक है, बाईपास द लीवर। हमने बात की थी कि जो फर्स्ट प्योर ब्लड था वो किसको ट्रांसफर हो रहा था, लीवर को, लेकिन उसके बाद में हमने देखा था कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको हो रहा है, इंफीरियर वेना कैवा के पास जा रहा है। कैसे जा रहा था वो जा रहा था डक्टस विनोसस के द्वारा, और लीवर को क्या कर रहा था, बाईपास कर रहा था। तो आफ्टर बर्थ जो डक्टस विनोसस होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज आफ्टर बर्थ। अब इसकी जो क्लोजिंग की बात है वो अलग अलग होती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एक होता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। अगर फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की अपन बात करें, फिजियोलॉजिकल जो क्लोजिंग होती है वो होती है 5 मिनट आफ्टर बर्थ। बर्थ के 5 मिनट बाद में क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है, किसकी, डक्टस विनोसस की। अगर अपन बात करें एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग होती है वो होती है 7 डे आफ्टर बर्थ। कितनी होती है, 7 डे आफ्टर बर्थ। बर्थ के 7 डेज बाद में क्या होती है, इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग भी हो जाती है। रेमिनेंट की बात करें, इसका जो रेमिनेंट बचता है मतलब आफ्टर बर्थ एक अवशेष के रूप में रह जाता है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है बाईपास चैनल से क्वेश्चन, तो इसका जो रेमिनेंट होता है वो कहलाता है लिगामेंटम विनोसम। क्या कहलाता है, लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। यहां से इसके सारे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट बाईपास चैनल ध्यान रखना, कौन सा, ये दिस इज द फर्स्ट बाईपास चैनल इन फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले जो बाईपास चैनल आता है वो कौन सा होता है, डक्टस विनोसस, जो किसको बाईपास कर रहा है, लीवर को बाईपास कर रहा होता है। इन बिटवीन द इंफीरियर वेना कैवा एंड अम्बिलिकल वेन क्या होता है, ये इसका कनेक्शन प्रेजेंट होता है और बाईपास लीवर को कर रहा है। क्लोजिंग की बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर दे फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग आफ्टर बर्थ 5 मिनट, ठीक है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग 7 डे आफ्टर बर्थ, और रिमेनेंट जो बचता है वो कहलाता है लिगामेंटम विनोसम। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड बाईपास चैनल कौन सा होता है, फोरामेन ओवल, कौन सा होता है, फोरामेन ओवल। अब फोरामेन ओवल जो होता है, देखिए फोरामेन ओवल प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसको बाईपास कर रहा है, बाईपास द लंग्स, किसको बाईपास कर रहा है, बाईपास द लंग्स, लंग्स को क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है, ठीक है। इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के पीछे पाया जाता है फोरामेन ओवल, बाईपास किसको कर रहा है, लंग्स को बाईपास कर रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कितनी होती है इसकी, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। फिजियोलॉजिकल जो क्लोजिंग होती है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग 5 मिनट आफ्टर बर्थ, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करें अपन, एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग होती है वो होती है 1 ईयर आफ्टर बर्थ। एनाटॉमिकल क्लोजिंग कितनी होती है, 1 ईयर आफ्टर बर्थ। बर्थ के 1 ईयर बाद में क्या होती है, इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। बात करें इसके रेमिनेंट की,
रेमिनेंट की बात करें, इसके अंदर रेमिनेंट बचता है वो होता है फोसा ओवेलिस। कौन सा होता है? फोसा ओवेलिस। अब कई बार क्या हो जाता है, फोरामेन ओवल क्या होता है, क्लोज नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं अपन पेटेंट फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं? फेल्योर टू क्लोज द फोरामेन ओवल, फेल्योर टू क्लोज फोरामेन ओवल, इसको क्या बोलते हैं अपन पेटेंट फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं? पेटेंट फोरामेन ओवल। अब देखिए, अगर फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूं अभी, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर डायग्राम के द्वारा देखो अभी आप, ये हार्ट के चार चैंबर है, ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट्स द फोरामेन ओवल। अब जैसे मान लो पहले जब इंट्रायूटराइन लाइफ पे था फीटस, तो यहां से ब्लड आ रहा था, मैक्सिमम ब्लड पास हो रहा था यहां पर, उसके बाद में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर आउटा के द्वारा जा रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या होना चाहिए कि आफ्टर द बर्थ जो बेबी है उसके अंदर फोरामेन ओवल क्लोज होना चाहिए, ब्लड का जो रूट होता है यहां से लेकर वापस यहां पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि फोरामेन ओवल अभी भी क्या है, ओपन है। फोरामेन ओवल अगर ओपन है तो यहां पर क्या होगा, ब्लड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आता है क्योंकि अम्ब्लाइकल वेन यहां से रिमूव हो गई और अम्ब्लाइकल वेन रिमूव होने से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज हो गया। पहले तो क्या था, यहां पर जो अम्ब्लाइकल वेन से क्या हो रहा था, डक्टस विनोसस जुड़ के ब्लड प्रेशर यहां पर लेफ्ट राइट एट्रियम में ज्यादा था, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, अम्ब्लाइकल वेन हट गई आफ्टर बर्थ और राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स होगा तो साइनोसिस की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी बेबी के अंदर, और कंडीशन कौन सी होगी, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में? इन कंडीशन ऑफ पेटेंट फोरामेन ओवल। तो ये कंडीशन कब होती है, जब फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पाता तो बेबी के अंदर क्या होता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। इसका रेमिनेंट मैंने आपको बता दिया, फोसा ओवलिस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बाईपास चैनल, डक्टस आर्टेरियोसस। तीसरा जो बाईपास चैनल होता है वो होता है डक्टस आर्टेरियोसस। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस होता है, कनेक्शन होता है इन बिटवीन टू आर्टरी, कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड आओटा, आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। आपको नाम में पता चल रहा होगा डक्टस आर्टेरियोसस, मतलब एक ऐसी डक्ट जो दो आर्टरीज के बीच में क्या हो, प्रेजेंट हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। अगर आपको क्लियरली अगर यहां पर पूछे तो डिसेंडिंग आओटा यहां पर होगा, ठीक है। कौन सी? डिसेंडिंग आओटा से क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब यहां पर देखिए ये किसको बाईपास कर रहा है, बाईपास द लंग्स, बाईपास द लंग्स, ठीक है। क्लोजिंग की बात करें, जो क्लोजिंग होती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग अगर हो तो फिजियोलॉजिकल होती है आफ्टर 5 मिनट, फिजियोलॉजिकल आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ, आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ, बर्थ के 5 मिनट बाद में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है। एनाटॉमिकल की बात करें, एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो होती है वो होती है 3 मंथ आफ्टर बर्थ, 3 मंथ आफ्टर बर्थ, मतलब 1 to 3 मंथ तक कभी भी हो सकती है, ठीक है, 1 to 3 मंथ तक कभी भी इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग हो सकती है।
रेमिनेंट की बात करें, किसकी? डक्टस आर्टियस का जो रेमिनेंट होता है, रेमिनेंट की अगर बात करें तो क्या होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम. कौन सा होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम. ठीक है, यहां पर भी अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस की कंडीशन होती है तो बेबी के अंदर एसाइनोटिक हार्ट डिजीज ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अओर्टा से क्या जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज. तो अओर्टा के अंदर आपको पता है प्रेशर ज्यादा होता है, और ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां जाएगा? डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर जाएगा, और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलेगी. ठीक है, समझ में आ गया आपको? कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा, कौन सी? डिसेंडिंग अओर्टा. ठीक है, और बाईपास किसके बीच में होता है? लंग्स को बाईपास करता है, ध्यान रखना, लंग्स को बाईपास कर रहा है ये भी. फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कितना होता है? आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ. एनाटॉमिकल क्लोजिंग होता है 3 मंथ आफ्टर बर्थ. इसका रेमिनेंट होता है कौन सा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम. इसके अलावा हम बात करें अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी की. अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी का जो रेमिनेंट होता है, रेमिनेंट जो बचता है अम्बिलिकल आर्टरी का, उसको बोलते हैं अपन मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. ठीक है, ध्यान से देखिए इसको. और दूसरी चीज, फर्स्ट क्लोजिंग होती है इसकी. दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग. सबसे पहले क्लोज होता है कौन? अम्बिलिकल आर्टरी. ठीक है, सेकंड इज द अम्बिलिकल वेन. सेकंड इज द अम्बिलिकल वेन. अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट होता है, मतलब बात करें अपन आफ्टर द बर्थ जो अवशेष बचता है उसको बोलते हैं अपन रेमिनेंट. अब ये होता है कौन सा? लिगामेंटम टेरीज. क्या होता है? लिगामेंटम टेरीज. ठीक है, लिगामेंटम टेरीज किसका रेमिनेंट है? अम्बिलिकल वेन का. दिस इज द सेकंड क्लोजिंग. सेकंड क्लोजिंग. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट जो होता है वो होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, आप ध्यान से देखें. मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो होता है वो होता है अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट होता है. दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग. नेक्स्ट बात करें अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट होता है वो होता है लिगामेंटम टेरीज, एंड दिस इज द सेकेंड क्लोजिंग. तो ये आपके यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो गया फीटल सर्कुलेशन. और मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको यहां अपने थ्योरी के साथ मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं. आप ये चैप्टर पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एक अच्छे तरीके से मैंने आपको डायग्राम से भी आपको बता दिया है. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए कुछ बेटर लेके आएँ. और कंटिन्यू आप बने रहिए आरजे कैरियर पॉइंट के साथ. हम आपको यहाँ से घर बैठे कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, और पीजीआई की आपको पता है कि नई वैकेंसीज आ गई हैं. 78 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दें, हमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल दिया, तो आप वहाँ से गाइडलाइन पढ़ लें और रेगुलर अपनी मेहनत को यूं ही कंटिन्यू रखें हमारे साथ. थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट.